नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण, बोली हमारी सरकार का मूल मंत्र विकास। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है, इससे पहले आज राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने अपने 44 मिनट के अभिभाषण में सरकार की योजनाओं व कार्यों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनहित याचिका में कई कार्य किए हैं, इसकी हर जगह प्रशंसा हो रही है। सरकार का मूल मंत्र विकास है, सभी वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है, सबकी जो है सहभागिता विकास में सुनिश्चित की जा रही है, सभी क्षेत्रों पर सरकार का फोकस है, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक पर खास फोकस है। राज्यपाल ने कहा कि भ्रष्टाचार पर सरकार की जीरो जो है टॉलरेंस नीति है, निगरानी तंत्र को सशक्त किया जा रहा है, औद्योगिक शांति के लिए सरकार प्रयत्नशील है, लंबित समस्याओं का समाधान भी कर रही है। कोरोना संक्रमण काल में सामूहिक किचन का संचालन किया गया, दूसरे राज्य में फंसे श्रमिकों को लाया गया, डीबीटी के जरिए खातों में पैसे दिए गए, लॉकडाउन में 373 मुख्यमंत्री दाल भात केंद्रों का संचालन किया गया, कौशल विकास योजना सरकार, बिजली वितरण उत्पादन एवं संचालन योजना को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों का लोन माफ किया है, साथ ही मुख्यमंत्री पशुधन योजना विकास योजना की शुरुआत की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेल मैनुअल उल्लंघन मामला, अब 5 मार्च को होगी सुनवाई। वकील ने बताया लालू यादव की तबियत स्थिर, चारा घोटाले में सजा फतह व रजात सुप्रीमो लालू प्रसाद की जेल मैनुअल उल्लंघन मामले की सुनवाई अब 5 मार्च को होगी। शुक्रवार को रिम्स की ओर से पेश की गई मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं थी, इस कारण अदालत ने सुनवाई 5 मार्च को निर्धारित कर दी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद के वकील से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। वकील ने बताया कि लालू का इलाज अभी भी एम्स में चल रहा है, उनकी हालत स्थिर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीटेट का रिजल्ट जारी, परिणाम देखने के लिए इस लिंक पर जाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीटेट परीक्षा के नतीजे शुक्रवार को घोषित कर दिए हैं। सीटेट रिजल्ट का इंतजार कर रहे विद्यार्थी अब नतीजा परीक्षा पोर्टल सीटेट.nic.in पर देख सकते हैं। सीटेट की परीक्षा 31 जनवरी को आयोजित की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फरवरी में तीसरी बार बढ़ा गैस के दाम, 851.50 रुपये मिलेगा घरेलू सिलेंडर। फरवरी में ही तीसरी बार 14.2 किलो नॉन सब्सिडी गैस की कीमत बढ़ गई है। गैस की कीमत में 25 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि हुई है, इससे जो है 14.2 किलो गैस की कीमत 826.50 रुपये से बढ़कर 851.50 रुपये हो गए हैं। ग्राहकों को सब्सिडी के रूप में 37.76 रुपये मिलेंगे, यानी ग्राहकों को सिलेंडर का वास्तविक मूल्य जो है 813.74 रुपये लगेगा। फरवरी में कुल तीसरी बार कीमत बड़ी है, 4 फरवरी को 25 रुपए और 15 फरवरी को 50 रुपए और अब जो है फिर से 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वही जो है 19 किलो वाले व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत में 4.50 रुपये की कमी आई है। अब 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 1632 रुपये से घटकर 1627.50 रुपये हो गई है। नई कीमत गुरुवार से ही लागू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में सीएसएफ जवान ने अपने ही राइफल से खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। झारखंड के गुमला जिले के घोर नक्सल प्रभावित विष्णुपुर थाना क्षेत्र के बनारी पुलिस पिकेट में पदस्थापित सीआरपीएफ 158 बटालियन के सिपाही सोमलाल सिंह 39 वर्षीय ने अपने ही राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। वे मेरठ के भावना थाना स्थित जो है चुछई गाँव के रहने वाले थे। 10 दिन पहले ही वे छुट्टी से वापस कैंप लौटे थे। बताया जाता है कि सिपाही सोमलाल सिंह शादीशुदा थे, एक बेटा और एक बेटी है। सिपाही ने क्यों आत्महत्या की इसका पता नहीं चल सका है। घटना गुरुवार की रात 9:45 की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनरेगा मजदूरों को अब रोज मिलेंगे 225 रुपए, हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। संभवतः झारखंड देश का पहला राज्य है जिसने आगामी वित्त वर्ष से मनरेगा अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाकर 225 रुपए प्रति मानव दिवस करने का निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया है। अब मनरेगा के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों को 194 की जगह रोजाना 225 रुपए मिलेंगे। मनरेगा में बेहतर काम करते हुए झारखंड ने पहले ही पूर्व के सारे जो है मानव दिवस के लक्ष्य को प्राप्त किया है। सरकार कोरोना काल में जरूरतमंदों के लिए मनरेगा को रोजगार का एक उत्तम माध्यम बनाया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के गुमला में नरसंहार का पुलिस ने किया खुलासा, 8 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के गुमला जिले के कर्माटांड थाना के आमटोली पहाड़ गांव में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या जादू टोना को लेकर की गई थी। गांव में हाल के दिनों में कुछ लोग बीमार हुए थे और कुछ लोग की मौत हो गई थी, इससे गांव के लोग अंधविश्वास में आ गए और बैठक कर नरसंहार की घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस के हाथ साबुत लगे और पुलिस ने जो है अनुसंधान में डायन बिसाही की हत्या की पुष्टि हुई और नरसंहार मामले में जो है कर्माटांड थाना की पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार
किया है, जिसे पुलिस ने पकड़ा है। इन लोगों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त जो है टांगी व अन्य लोहे की सामान बरामद हुई है। गुमला एसपी जो है जनार्दन ने कहा है कि हत्या के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में हुक्का पर प्रतिबंध, चलाने पर 3 साल जेल व इतने लाख का जुर्माना। कैबिनेट ने सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन अधिनियम 2020-21 को मंजूरी किया है। इस अधिनियम में हुक्का पर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पाद के सेवन पर दंड की रकम बढ़ाकर 200 रुपये से 1000 रुपये कर दिया गया है। खुले सिगरेट पर बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के अलावा स्कूल, अस्पताल, न्यायालय, धार्मिक स्थल के 100 मीटर की परिधि में तंबाकू व उसके उत्पाद की बिक्री प्रतिबंध कर दी गई है। तंबाकू उत्पाद 21 वर्ष से कम उम्र के लोग को बेचने पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। विधानसभा से इससे जो है विधेयक के पारित होने के बाद जो है नियम राज्य में प्रभावी हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बुजुर्गों के वैक्सीनेशन के लिए मिली 3,40,000 डोज। झारखंड में 1 मार्च से बुजुर्गों के लिए कोरोना टीकाकरण शुरू करने की बाकायदा तेज कर दी गई है। बुजुर्गों के टीकाकरण के लिए गुरुवार को झारखंड को कोविशील्ड टीका के 3,40,000 डोज मिले हैं। रांची एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सभी टीका को नामकुम स्थित वेयर हाउस में रखा गया है, जहां से उसे जिले को भेजा जा रहा है। इधर 1 मार्च से 60 साल तथा इससे अधिक आयु के लोगों तथा गंभीर बीमारी से जूझ रहे 45 साल से अधिक के लोगों को पहली डोज के टीकाकरण को लेकर सभी सिविल सर्जनों तथा जिला जो है RCH पदाधिकारियों को आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 13 मार्च से 9 कार अभियान। अब सप्ताह में आपको इतने दिन कार के बजाय चलने होंगे साइकिल से। राजधानी की सड़कों पर सप्ताह में एक दिन सिर्फ साइकिल ही चलेगी। नगर आयुक्त मुकेश कुमार 13 मार्च से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मोरहाबादी मैदान से इसकी शुरुआत की जाएगी। नगर आयुक्त ने राजधानी वासियों से भी इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। वह गुरुवार को इंडियन साइकिलिंग फॉर चेंज चैलेंज व स्ट्रीट फॉर पीपल्स द्वारा साइकिलिंग को प्रोत्साहन करने के लिए आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। नगर आयुक्त ने कहा है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन साइकिलिंग का उपयोग करें, इससे आप स्वस्थ तो रहेंगे ही राजधानी का वातावरण भी स्वच्छ होगा। बैठक में राजधानी की सड़कों को जो है साइकिलिंग फ्रेंडली बनाने संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। साइकिलिंग चलाने में होने वाली समस्याओं के समाधान में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। नगर आयुक्त ने राजधानी के लोगों से सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों से एक दिन साइकिल से दफ्तर आने का आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए सिरे से जमीन का सर्वे करा सकती है सरकार। सरकार राज्य भर में नए सिरे से जमीन का सर्वे करा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूपीए विधायक दल की बैठक में कहा कि राज्य भर से मिल रहे जमीन संबंधित विवादों के निपटारे को लेकर सरकार गंभीर है। जमीन के मामले को लेकर नए तरीके से सरकार को काम करना होगा। किसी भी जमीन का गलत तरीके से अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। म्यूटेशन से लेकर जमीन की हेराफेरी में गड़बड़ी से संबंधित मामले को लेकर सरकार गंभीर है। झामुमो विधायकों ने बैठक में जमीन संबंधित विवादों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। कांग्रेस विधायकों का कहना था कि शहर से लेकर अंचल तक जमीन विवाद के मामले बढ़े हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर, तो राज्य में पिछले 24 घंटे में 76 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें से रांची के 47 शामिल हैं। 12,476 सैंपल की जांच हुई, जिसमें से जो है 0.60% की दर से संक्रमित मिले हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। राज्य में अब तक 54,95,533 लोगों की जाँच हो चुकी है। इसमें से 1,19,795 संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें से 1,18,241 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। दूसरी ओर राज्य भर में अब तक 1,087 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य में अभी कुल एक्टिव केस की संख्या 487 है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।